गुड इवनिंग दोस्तों, कुछ दिनों से बहुत लोग मुझे मैसेज कर चुके हैं, सर DDSJEE के बारे में बताइए, कैसे पढ़ें, कहाँ से इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन कंप्लीट करें। तो इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन कहाँ से कंप्लीट करें ये तो बताएंगे, सारा कुछ हम बताते हैं। पहले DDA में 120 क्वेश्चन आएगा, 120 मिनट, 120 नंबर, जिसमें से 40 क्वेश्चन मैकेनिकल के, 40 इलेक्ट्रिकल के, 40 नॉन टेक रहेगा। जो 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के, ये हमारे लिए बहुत टफ रहेगा, और जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लड़के हैं उनको मैकेनिकल के 40 क्वेश्चन बहुत टफ रहेगा। तो मैकेनिकल के जो कॉमन सिलेबस होता है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, उस सारा सब्जेक्ट मैंने पहले ही से लिख लिया है टाइम बचाने के लिए। थर्मो, RAC, IC इंजन, पावर प्लांट, HMT, FM, प्रोडक्शन, सोम, टोम, मशीन डिजाइन, इंडस्ट्रियल। पहले हम मैकेनिकल के बारे में बता रहे हैं कि आपको 40 में से 38, 37, 39 नंबर लाना ही लाना है, और बहुत इजीली लाएंगे अगर आप लोग ये स्टेप फॉलो करोगे। क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, HMT बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इंडस्ट्रियल बिल्कुल नहीं पढ़ना है। RAC और थर्मो से पिछले साल 4 क्वेश्चन आए थे, और IC इंजन से 3 क्वेश्चन आए थे, और पावर प्लांट से 2 क्वेश्चन आए थे, FM से 5 क्वेश्चन आए थे, प्रोडक्शन से आए थे 11, सोम से आए थे 5, टोम से आए थे 7, और मशीन डिजाइन से आए थे 3। ठीक, जोड़ लेना, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो गया हो। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो हैं वो हमारा प्रोडक्शन है, सोम है, टोम है, और MD है। इस 4 सब्जेक्ट को केवल पढ़ के आप 25 नंबर यहाँ से ला लोगे, कुछ रटना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे यहीं से। ठीक, इसको सबसे प्रेफरेंस में, इसको सबसे ऊपर रखो प्रेफरेंस में, इसको सबसे पहले पढ़ो और बार बार पढ़ो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकता है, FM में मशीनरी से ज़्यादा क्वेश्चन है, और बर्नौली इक्वेशन वाले पोर्शन से। ठीक, HMT से पढ़ना ही नहीं है, HMT से कोई क्वेश्चन ही नहीं है। पावर प्लांट में भी आपको बॉयलर पढ़ना है, एसेसरीज पढ़ना है, माउंटिंग पढ़ना है, सेफ्टी डिवाइस पढ़नी है, बस और कुछ नहीं पावर प्लांट। IC इंजन में साइकिल पढ़ना है, ऑटो साइकिल, डुअल साइकिल, डीजल साइकिल, लेनोर साइकिल, जितने साइकिल हैं वो पढ़ना है, और TS डायग्राम और PV डायग्राम आपको देखना है। RAC नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन थर्मो पढ़ लेना, थर्मो का फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स और बेसिक जो है पहला चैप्टर, वो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आ जाएगा क्वेश्चन यहाँ से, 37-38 क्वेश्चन बन जाएंगे। मेन प्रॉब्लम आएगा इलेक्ट्रिकल में, तो ये इलेक्ट्रिकल में मेन प्रॉब्लम आएगा इलेक्ट्रिकल वालों को, मैकेनिकल में मेन प्रॉब्लम आएगा। आप अगर सोच रहे हो कि 40 में से 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का हम कर लें, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन गलती कर दोगे, 2-3 महीने में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन नहीं पाओगे, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लो। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हूँ, जो मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान इस टॉपिक से मैंने पढ़ा था, और टाइम मिलेगा तो किसी दिन मैं अपना नोट्स भी शेयर कर दूँगा। तो मोटर पढ़ना है, मोटर से सर्वो मोटर पढ़ना है, स्टेपर मोटर पढ़ना है। ठीक, ट्रांसफार्मर पढ़ना है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, टर्शियरी वाइंडिंग, इसमें कुछ लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कुछ लॉसेज होते हैं, कोर लॉस होता है, हिस्टेरिस लॉस होता है, हिस्टेरिस कर्व होता है, वो देख लेना है। लूप, मेरा लिखने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन आता है ओम ला लगा का, कि ऐसे लूप बना के V=IR वाला फार्मूला लगा के रेजिस्टेंस के साथ इसको जो सॉल्व करते थे, उस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग देख लीजिएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मतलब ये नहीं है कि एकदम इजी आएगा। कैपेसिटर रेजिस्टेंस में कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट देख लेना है। ट्रांसमिशन लाइन पढ़ना है, ट्रांसमिशन लाइन में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये दोनों पढ़ना है, कहीं से, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी। पर्पज आप कोर पढ़ना है, ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ना है, ये भी गूगल से या यूट्यूब से कहीं से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। ठीक, उसके बाद स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन पढ़ना है, उसके लाइन वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज क्या है, हम लोग एक पढ़ते थे इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे हम लोग कि पावर इक्वल टू होता है कि √3 VL IL, ऐसे करके कुछ पढ़ते थे, इसको पावर फैक्टर बोलते थे। इससे रिलेटेड आप YouTube से ढूंढ लीजिएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर। ठीक, रेक्टिफायर भी पढ़ना है, रेक्टिफायर में वो आता था फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर पढ़ना है, इसमें फुल और हाफ इसलिए पढ़ना है कि यहाँ से लोड फैक्टर निकालना होता है,
0.70 समथिंग करके आता है, 1/√3, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन पढ़ लेना है। ये लोड फैक्टर में आता है, सेमीकंडक्टर पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और आपको सोर्सेज कहाँ हैं बताऊँगा अभी, कहाँ से पढ़ना है। पहले टॉपिक मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा भाई मत जाना डीप में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो पढ़ाई 4 साल के बाद भी 3 साल 4 साल प्रिपरेशन में लगाते हैं, उसको तुम 2 महीने में नहीं कर पाओगे। तो ये फैक्ट समझो, ऐसा मत समझना कि मैकेनिकल इंजीनियर के जो क्वेश्चन आएंगे टफ़ आएंगे, जो कि हमारे लिए ईजी होगा, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के क्वेश्चन ईजी आएंगे वो भी हमारे लिए ईजी होगा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों हमारे लिए ईजी हो जाए। तो जो इलेक्ट्रिकल के लड़के हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए तो ये इलेक्ट्रिकल का तो चलो ईजी उनको हो रहा है, लेकिन मैकेनिकल का तो टफ हो जाएगा। इसलिए दोनों पेपर बहुत बैलेंस बनेंगे, दोनों पेपर के क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांच के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत बैलेंस बनेगा। हाँ, नॉन टेक में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ कि यहाँ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, तो रीजनिंग के टॉपिक ही 15-20 हैं, तो सबको सब टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन श्योर शॉर्ट जहाँ से आएगा वो मैं बता रहा हूँ। और 10 में 10 आपको लाना है भाई, ऐसा पढ़ो, वहाँ मेहनत ज़्यादा करो जहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्वेश्चन आने का और ज़्यादा है क्वेश्चन सही होने का। इलेक्ट्रिकल में आप कितना भी कर लो, कितना भी दिन रात लगा दो, 1 साल तैयारी कर लो इलेक्ट्रिकल के लिए, फिर भी 40 में से 35 भी नहीं ला पाओगे। अगर ऐसा होता तो मैकेनिकल के 40 क्वेश्चन में तो हम 40 ठोक देते, लेकिन आज भी लिख के ले लो 38-37 लाते लाते पसीना छूट जाएगा। इसलिए डायरेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पढ़ के जाना है। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आएंगे, 100% पढ़ के जाना है। सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट, यहाँ से कम से कम 6 क्वेश्चन आ जाएंगे इसी 4 टॉपिक से, तो ये पढ़ के जाना है। मैथ में ये वाला इक्वेशन जरूर देख के जाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेना। और बाकी ये बचपन वाला वही पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 5-6 से LCM, परसेंटेज, वर्क, टाइम अब मिलेगा, 2 घंटे का पेपर है ना, टाइम मिलेगा, पूरा टाइम यूटिलाइज कर देना यहीं पे 10 क्वेश्चन में ही। ठीक, जीके में क्या है, जीके में स्टैटिक जीके पढ़ना है, ज़्यादा हाथ पांव नहीं चलाना, मैं बता रहा हूँ ये भी 10 क्वेश्चन आएगा, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ना है भाई, नहीं तो वीडियो ही मत देखना, क्या करना है। शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब ये हुआ कि इंडिया में सबसे बड़ी नदी कौन है, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म क्या है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है, बड़ा और लंबा में ध्यान रखना, जो लार्जेस्ट लंबा जो होता है और बड़ा, ये दोनों में अंतर होता है। कभी कभी पूछता है कि बड़ी नदी कौन सी है, लंबी नदी कौन सी है, तो ये देख लेना। लंबा मतलब यार लंबाई में होनी चाहिए, बड़ा मतलब वॉल्यूम में होनी चाहिए, वॉल्यूम वाइज में, तो ठीक ये देख लेना। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन, लास्ट इन इंडिया, ये वाला पोर्शन जो है ना ये हिस्ट्री से देखना, हिस्ट्री से कि प्रथम वायसराय कौन था, लास्ट वायसराय कौन था, प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, लास्ट प्रेसिडेंट, छोड़ो अभी तो चल रहे होंगे वो तो देख लेना, प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना प्रथम वाला चीज, ये हिस्ट्री वाला पोर्शन होगा। ठीक, और जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपको केवल और केवल पढ़ना है केमिस्ट्री के पार्ट पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में नॉमनक्लेचर पढ़ना है कि एलम का सूत्र क्या है, प्लास्ट ऑफ पेरिस किसे बोलते हैं, कोल गैस किसे बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस किसे बोलते हैं, ये यहाँ से आएगा। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ लेना है, फिजिक्स में मैकेनिक्स वाला पार्ट आएगा, वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ा टफ होगा लेकिन मैकेनिकल वालों के लिए ईजी होगा। और इसी फिजिक्स में जी से रिलेटेड, जी को ऊपर जाने पे क्या होता है, जी को नीचे जाने पे क्या होता है, बढ़ता है घटता है, जी वेरिएशन इन जी, ये ज़रूर देख के जाना भाई, वेरिएशन इन जी। ठीक, ये वाले पोर्शन, इन्वायरमेंट पढ़ना, आजकल हर एग्ज़ाम में आ रहा है इन्वायरमेंट, थोड़ा बहुत इस टाइम कौन कौन सा कन्वेंशन चल रहा है इस पे। रिवर और माउंटेन पढ़ना है, रिवर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि रिवर दो ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, ईस्ट वेस्ट में या तो ईस्ट में, तो वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर पूछ लेता है, कैटेगराइज करके यहाँ से पढ़ लेना है। करंट अफेयर पिछले 12 महीने पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, कोई नहीं किसी इंस्टीट्यूशन का करंट अफेयर लेके नहीं पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, पढ़ना है रटना नहीं है, 2-3 बार पढ़ना है, 5-6 घंटे में पूरा 12 महीने का निचोड़ मिल जाएगा यूट्यूब पे, बहुत लोग पढ़ा रखे हैं। ठीक,
इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम जितना कर सको थोड़ा दिमाग लगा करना है, इसमें कॉमन सेंस भी कभी कभी काम आता है तो सही हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये वाला चैप्टर पढ़ना है, कंजंक्शन पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इंग्लिश में। ठीक, सोर्सेज क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से पढ़ें, तो पहला नंबर तो मैकेनिकल के जो पार्ट है, मैकेनिकल वाला पार्ट है। अब कहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें, तो भाई एसएससी जेई प्रीवियस ईयर सारा करना है, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर सारा करना है। फिर ईएससी की क्या वन लाइनर, बस इतना कर लो, इससे ज़्यादा नहीं करना है। एसएससी जेई ईएससी बल्कि अगर नहीं भी करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एसएससी जेई के सारे क्वेश्चन करना है। यहाँ से कंटेंट अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे कंटेंट वाले, पता चलेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए जिस टॉपिक को मैं बोला हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर डाल के क्वेश्चन पढ़ना है। और एक मैंने ग्रुप में शेयर किया था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 1000 क्वेश्चन का एक पीडीएफ मैंने शेयर किया था, वो पढ़ना है बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और अगर सब कुछ, अगर नॉन टेक वाले में देखो, अगर सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मिले तो आप लूसेंट पढ़ लेना है, लूसेंट प्लस करंट अफेयर। कोई हिस्ट्री की अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिजिक्स की अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी जो पॉलिटी जो पढ़ते हैं अलग से कहीं नहीं, लूसेंट को रट लो और करंट अफेयर 12 मंथ। भाई कितना पढ़ोगे, 50 को बुक लेके नहीं पढ़ना है, ठीक ना, मैं कह रहा हूँ लूसेंट लेके पढ़ लो, सारा कुछ यहीं से हो जाएगा। इंग्लिश के लिए भी आती है लूसेंट की बुक, इंग्लिश के लिए भी लूसेंट की बुक आती है, वहाँ से पढ़ लो, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो बार बार, बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है भाई लोग, रखते हैं, अगर कोई दिक्कत और हो तो बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। कोई किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो बताना, मैं बता दूंगा, ग्रुप में बता देना, हम बता देंगे। चलिए भाई लोग, वीडियो लंबा ना हो, रख